Hi, this is Shweta Mehta, MTV Roadies Winner, an actor and a fitness professional. मेरा हाल ही में एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है ट्रैम्पोलिन पार्क सूरत में. मैं इस वीडियो के जरिए ये बताना चाहती हूँ कि ऐसी जगहों पर सेफ्टी कितनी इम्पॉर्टेंट है. जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो. चार और पाँच तारीख को मैं सूरत एक शूट के लिए गई थी और छः तारीख को मुझे एक जगह ले जाया गया था, मुझे बुलाया गया था. इट्स कॉल्ड ट्रैम्पोलिन प्लेस, जो अब तक ओपन भी नहीं हुआ है. उन लोगों ने बोला कि आप आइए, एक्सप्लोर कीजिए, देखिए क्या क्या है, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा एम्यूज़मेंट पार्क इन टर्म्स ऑफ ट्रैम्पोलिन उन्होंने खोला है. तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि सब जानते हैं व्हेन इट कम्स टू फिटनेस, मुझे वो निंजा ट्रैक्स करना, रॉप पे चढ़ना, ये सब मेरा खास इंटरेस्ट है. मैंने रॉप ट्रैक किया, निंजा ट्रैक किया. उसके बाद मैं आती हूँ एक जगह पे जिसे कहते हैं पिट फॉल, जहाँ 15-20 फुट की ऊंचाई से जंप करते हो. और उस पिट के अंदर, पिट बहुत डीप होता है और पूरा भरा होता है स्पंजिस से, बड़े बड़े फॉर्म से. सो बेसिकली जब आप कोई जंप करते हो, फ्लिप करते हो, किसी भी तरह से गिरोगे उसके अंदर, तो आप सेफ हो. सेफ्टी ऐसी जगहों पर सबसे पहले आती है, ताकि आप बिना डर के एंजॉय कर सको, बिना डर के जंप्स कर सको. ट्रैम्पोलिन के एम्प्लॉयज भी जंप कर रहे थे, उन्होंने मुझे इनकरेज भी किया, मैम आप ये भी कर सकते हो, मैम आप ऐसे भी फ्लिप कर सकते हो, आप करिए ना, कुछ होगा थोड़ी, सब कुछ बहुत सेफ है यहाँ पर. और सेकेंड जंप में मैं अनफॉर्चुनेटली अपने सिर पर गिरती हूँ, सारा फोम साइड में हो गया और मेरा सिर जाके नीचे टच हुआ सरफेस से. इट वॉज सो हार्ड कि मैं वहीं की वहीं नंब हो गई थी बहुत टाइम तक. आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितनी बुरी तरह से मैं तड़प रही हूँ चोट लगने के बाद. उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया इमरजेंसी में. मैं बहुत बुरे पेन में थी, मेरे दोस्त मुझे लेकर गए वहाँ पर. मैं सनशाइन ग्लोबल हॉस्पिटल में एडमिट थी. मेरे दोस्तों ने जैसे तैसे करके पैसे जमा करके ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया. अगले दिन मेरे पेरेंट्स आए हरियाणा से, उनकी डॉक्टर्स के साथ मीटिंग हुई. डॉक्टर्स ने बताया कि कितनी क्रूशियल इंजरी है और सर्जरी कितनी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, बहुत सीवियर है, मैं पैरालाइज हो सकती थी, मैं मर भी सकती थी. बहुत इट्स अ मेजर सेटबैक फॉर मी एंड इवन फॉर माई फैमिली. मेरी इतनी बुरी कंडीशन थी कि मैं सूरत से बॉम्बे भी नहीं ले जा सकती थी. और तो और सूरत में भी एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल ले जाना मुझे अलाउड नहीं था. 6 तारीख को दोपहर को हम गए थे और 8 तारीख को दिन में मेरा ऑपरेशन की तैयारी स्टार्ट हो चुकी थी. सेफ्टी वहाँ कैसे नहीं थी, कैसे स्पंजेस हट सकते हैं, मुझे समझ ही नहीं आया. वो स्पंजेस बहुत सारे होने चाहिए, हटने नहीं चाहिए और काफ़ी डीप होने चाहिए. पूरी बॉडी भी अंदर चली जाए तो भी सरफेस टच नहीं हो सकता. मेरा सिर तो 2.5-3 फुट में ही जाके क्रैश हो गया और इतने बुरे फ्रैक्चर्स हो गए. मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा ऐसा कैसे हो सकता है, सेफ्टी कैसे नहीं थी ऐसी जगह पर. इतने सारे फ्रैक्चर्स, C5, C6, C7 डिसलोकेशन, बहुत पेन में हूँ मैं पोस्ट सर्जरी भी. और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स मैं 6-9 महीना लिफ्टिंग नहीं कर सकती हूँ. एक फिटनेस की लड़की का एक ऐसी जगह पे एक्सीडेंट होता है जो कि फिटनेस और फन के लिए बनाया गया है, और उसका फिटनेस का करियर ही दांव पर लग जाए, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सेटबैक है. मुझे दोबारा से इंडिया की जर्सी पहननी है, मुझे दोबारा से आगे काम करना है. आई सो डायर टू लिफ्ट वेट्स अगैन. मेरा पूरा कैलिस्थेनिक्स, जो मैंने 1.5-2 साल की अभी जर्नी जी थी कैलिस्थेनिक्स से, मैं जिस लेवल तक पहुंची थी, मुझे फिर से शायद 1.5-2 साल लग जाए मिनिमम, जो कि डॉक्टर्स ने तो अभी तक अप्रूव किया ही नहीं है. अभी तक भी ट्रीटमेंट ऑनगोइंग है, अभी भी बहुत सारे सिटी स्कैन्स बाकी हैं. आई रियली होप कि कुछ ज़्यादा ना बिगड़े और वो सर्जरी रेकमेंड ना करें. मुझे फाइनेंशियली बहुत सफ़र करना पड़ रहा है. टू बी ऑनेस्ट, मेरा मेडिकल इंश्योरेंस एक्सपायर्ड था, उस वजह से मेडिकल बिल्स उठाना बहुत महंगा पड़ रहा है. और अभी तो ट्रीटमेंट की सिर्फ शुरुआत हुई है. मुझे ऊप ट्रैम्पोलिन से कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिला है, तो सारा का सारा बर्डन मुझ पर है और मेरी फैमिली पे है. मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं आप सबको बताऊं कि अगर आप ऐसी जगहों पर जाते हैं तो सेफ्टी के बारे में अच्छे से जान लें, क्योंकि अगर मेरे साथ ऐसी जगह पर इतना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है तो किसी के साथ कुछ भी हो सकता है. जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, उसके लिए आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं आगे.
और मैं बहुत जल्द एक और वीडियो बनाऊंगी जहां मैं इस एक्सीडेंट के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल्स दे सकूं। इट्स अ ट्रेजेडी बट आई विल बी बैक सून।